ये 50 देखिए, 50 देख रहा है। सो अपने पास HGG तो है, लाइट ही लाइट है अभी अपने गाड़ी में। जैसे अपने यहाँ पे कुकवा मिलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HGG व्लॉग्स, और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। 2023 की शुरुआत एक शॉर्ट सी, स्वीट सी, सिंपल सी राइड सी हो चुकी थी। मैं जा रहा हूँ बेसिकली पुणे, एंड आज सुबह मैंने बाइक में और दो लाइट्स लगाए हैं मिनी ड्राइव। तो इसके जो वीडियो क्लिप्स है आप पहले वो देखिए, बाद में मैं यहीं पे आपको मिलता हूँ। सो अभी मैं हूँ बाइकर सब में, और यहाँ पे आपको बाइक से रिलेटेड सारे एसेसरीज मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेलमेट्स, चेन ल्यूब, फॉग लाइट्स, जैकेट्स, सेफ्टी गेयर जितने भी है वो सब मिल जाएंगे। और अगर आप बाहर के स्टेट में हो या फिर आपको और ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो इनको इंस्टा पे DM कर सकते हो, और आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप मंगा सकते हो। अभी यहाँ पे ये लाइट मैं लगा रहा हूँ मिनी ड्राइव, 15 वॉट के है ईच पीस, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें आपको ड्यूअल बीम लाइट मिलेगा जो आपको मैं बाद में इंस्टॉल होने के बाद लगा के दिखा रहा हूँ, और उसके साथ साथ फ्लैशर भी है इसमें, तो ये ब्लिंक भी करेगा अगर ज़रूरत रहेगी तो। ओके सो अभी बज रहे हैं 5:30, एक नए टाइम का सनसेट का मुझे एक्सपीरियंस लेना था राइड का। इसके पहले मैं शाम को कभी भी ऐसा लॉन्ग पे गया नहीं हूँ, लेकिन इस बार जा रहा हूँ। ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाना है। अभी तो 5-5 लाइट हो चुके हैं, अपने जो मेन लाइट्स है वो HGG के हैं, तो ये अच्छा काम करते हैं। बट ये अभी रात को टेस्ट करके मैं आपको इसका भी रिव्यू बताता हूँ कैसा है एंड ऑल। सो निकलता हूँ अभी, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करता और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट हेलमेट मोड में। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। कभी भी मैं राइड करता हूँ तो एक अलग मज़ा आता है। जब मैंने अमरावती ट्रिप की थी उसके बाद पास में बाइक चलाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी, बट फिर भी मैं एक राइड लोनावाला करके आया था। बट अभी मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ पुणे, इसके लिए बाइक निकाली, नहीं तो मेरा भी प्लान था कि बस से चुपचाप चले जाता हूँ मैं, वो भी एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि मैं बस से पुणे आज तक गया नहीं हूँ। बट ठीक है, अभी बाइक से इतना लगाव है इसके लिए जा रहा हूँ मैं बाइक से। आपको लाइट का थोड़ा कमाल मैं आगे चल के दिखाता हूँ, ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन जो उसमें ब्लिंकर है, जो फ्लैशर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये 50 देखिए, 50 देख रहा है, कोई भी रिफ्लेक्टर देखिए देखिए। ओके नाइस, ये तभी काम आएगा जब ये एकदम अंधेरा रहेगा, क्योंकि दो दो तीन तीन लाइट लगा के किसी आगे वाले को परेशान नहीं करना है। मैं हमेशा एक ट्राई करता हूँ कि आगे वाला अगर अपर दे रहा है तो उसको पासिंग दे के उसको एटलीस्ट रिक्वेस्ट करूँ, यार भाई डिपर कर। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते ये चीज़। ओके सो ये है खोपोली सिटी नीचे, और मैं अभी हूँ खंडाला घाट में। इतने लाओ का नहीं, ठीक है तो घून जाए तो। अब बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि टॉप बॉक्स पूरा भर गया है, तो ये लेके कैसे जाऊँ मैं, लिया तो सही। ये देखो, कोई नहीं, जुगाड़ जुगाड़ू आदमी हूँ मैं, कुछ ना कुछ करके रख दूँगा। ये 45 लीटर का टॉप बॉक्स लिया है, वो पूरा इस्तेमाल होना तो चाहिए ना, होपफुली लगे ये, नहीं तो एक नंबर ये के ऊपर रहेगा अभी थैली। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कॉफ़ी एक, हाँ कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है, चाय है, ये दे दो। सो अभी एक चाय ब्रेक के लिए रुका हूँ। राइड बहुत स्मूथ चल रही है, अभी अभी थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है। 7:24 हो चुके हैं,
और 1 से 1.5 घंटा लगे पुणे पहुंचने के लिए, बट कोई नहीं, आराम आराम से जाना है। बाइक इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। तो अभी मैं आपको लाइट्स दिखाता हूँ, ये है मिनी ड्राइव वाले लाइट्स, दूर से लगा के देखता हूँ। ये देखो, ये जो लाइट्स है ये नॉर्मल लाल वाले लाइट्स है, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ शो के लिए दिए है। ओके, ये है येलो लाइट जिसका ब्राइटनेस अच्छा है, अंधेरे में अच्छा काम करता है। एंड उसके बाद है वाइट लाइट्स। वाइट लाइट्स आपको नीचे नहीं, आपको ऊपर दिख जाते हैं। कोई नहीं, ये चल जाता है। सो अपने पास HGG तो है, लाइट ही लाइट है अभी अपने गाड़ी में। पासिंग लाइट दिखा देता हूँ एक बार आपको, बहुत लाइट हो गया अभी। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रात को निकला हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अभी चाय पी लिया है, मूड फ्रेश बन गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। अंधेरे में ब्लॉक करना थोड़ा मतलब ऑड हो जाता है कि क्या दिखाएंगे, रोड्स कुछ दिखता ही नहीं आजू बाजू में, बट स्टिल एक एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। और लॉन्ग रूट अगर मारना है तो रात को भी अगर निकलते हैं तो कैसे लगता है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और एक जगह का लाइट मैं आपको दिखाना भूल गया, वो मतलब लाइट की कमी नहीं है, पूरी बाइक चमकती है। इवन यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर लगा के रखा है, तो आप कहाँ पे भी लाइट मारो बॉडी पे भी चमकने वाला है, क्योंकि ये जो इसकी स्टिचिंग्स है बोल सकते हैं वो भी रिफ्लेक्टर है। इवन ये देखो, इंडिकेटर लगाओ, यहाँ पे भी लाइट आ रहा है, हर तरफ लाइट। चलो निकलता हूँ अभी, 7:42। आपको दिख रहा है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मून बहुत प्यारा लग रहा है आज। ये देखो, ये वाला बहुत प्यारा। ये जो पैच है वो भी काफ़ी सुंदर दिखता है, क्योंकि आगे चल के थोड़े पहाड़ है और पहाड़ों पे विंड मिल्स लगे हैं, वो सुबह के टाइम पे बहुत सही दिखता है। मोलबान नाही जगाचे। फाइनली रीच पुणे। यहाँ पे आने का और एक रीज़न ऐसा भी रहता है कि यहाँ पे कैडबी करके एक थिक चॉकलेट शेक मिलता है, तो वो खाने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पे घर वालों में मेरी इमेज ऐसी बन गई है कि अगर ये पुणे आ रहा है तो कैडबी खाने के लिए आ रहा है। बस राइड एकदम स्मूथ हुई है, कोई झिकझिक नहीं, कोई टेंशन नहीं, और बहुत मज़ा आया रात को। मतलब ऐसा टाइम मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि दिन में मैं जब भी लोनावाला जाता था या पुणे आया हूँ ना इसके पहले, तो लिटरली इतना बोर हुआ है। अकेले भी रहते हैं तो भी एंजॉय करने मिलता है, और मैं जब भी सोलो भी ट्रैवल करता हूँ तो ऑफकोर्स मुझे खुद को पुश करना पड़ता है कि अरे भाई ब्लॉग बना, अगर तू जा रहा है कहाँ पे तो ब्लॉग बना। कैसा रहता है कि पब्लिक शाइनेस एक है अभी भी मेरे में, लेकिन इतना नहीं है इसके लिए। अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लोग देख रहे, चलता है, अभी यूज़ टू हो रहा हूँ मैं उस चीज़ से। ये एक बड़ी बात है जो मैं सीख रहा हूँ सोलो ट्रैवल करने में। तो और भी सोलो राइड्स होंगे, सोलो ट्रिप्स होंगे, तो जो भी रहेगा तो अपडेट तो आपको मिलता ही रहेगा वीडियो के थ्रू। इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इस पर फॉलो करो, क्योंकि उस पर मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।